टीएचडीसी अमेलिया कोल माइंस के खिलाफ विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोल माइंस के अधिकारी उनको मुआवजा देने के नाम पर पागल बना रहे हैं। जब तक उनको घरों का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। वहीं एसडीएम ने इस मामले में टीम गठित कर दी है जो 15 दिन के अंदर विस्थापितों की समस्या का हल निकालेगी। विस्थापित यह प्रदर्शन पिछले 19 दिनों से कर रहे हैं। सरपंच देवेंद्र पाठक ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर कंपनी से लेकर शासन प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। एक बार और हम 15 दिन के अंदर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को प्रतिवेदन देंगे। प्रशासन नहीं मानता है तो हम कोल माइंस का कोई काम नहीं होने देंगे। वहीं टीएचडीसी कंपनी के सीईओ ए.के. शर्मा ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन कंपनी के संज्ञान में नहीं था। जैसे ही एसडीएम द्वारा टीम गठित करने की जानकारी मिली तत्काल हमने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर विस्थापितों की मांगों को सुना। हम विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण 15 दिन के अंदर करेंगे। देखिए, अर्जन की कार्यवाही कंपनी नहीं करती, प्रशासन करता और हमारी मांग प्रशासन से, प्रशासन के भू अर्जन अधिकारी और कलेक्टर के यहाँ हम लोगों ने दिया था और उसमें से एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी की आज प्रथम बैठक, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लोगों की कई गंभीर शिकायतें हैं, उन शिकायतों में आज कमेटी के तीनों सरपंचों की उसमें कमेटी गठित है, उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे और स्टडी करके कलेक्टर और शासन को प्रतिवेदन देंगे। यदि 15 दिन के अंदर हमारे लोगों के प्रतिवेदन से कार्यवाही नहीं हुई तो कंपनी का समस्त कार्य हम लोग बंद कर देंगे, उसके लिए समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। समस्याएं जो हम लोगों ने सुना है और सुन के कर रहे हैं और एक एक जो है जो भी समस्या है उसका हम लोग अभी सुन सुनकर एक एक चीज का अभी किया है। उनकी जो मांगे थी कुछ हम लोग मांग पत्र दिया है, सीढ़ी करके जो है दे दिया जाएगा। और जहां इनका था जो है 17-18 में सर्वे हुआ था उस वहां के लिए अपने ग्राम के दरबार में वो भूमि के मुआवजा का मामला था, उसमें भी कंपनी ने अपनी सहमति या प्रशासन को देखी है और जो है शीघ्र ही मांग पत्र जैसे जिला प्रशासन से आता है जिला प्रशासन धन्यवाद करा देगा उनके माध्यम से राशि की जाएगी, उस पर भी लगता है कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।